उसके बाद हम लोग आ गए थे हुंडई के शोरूम में। मम्मी को बुलेट का बड़ा शौक है तो आज गए थे हम लोग कार देखने, ठीक है। और कार पसंद, और मेरा आज सुबह सुबह वीजा आ चुका है जो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मंडे। आज मेरे को जाना है वीजा ऑफिस, या फिर बोल सकते हो VFS ऑफिस। VFS ऑफिस में मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े थे, मैं पापा दोनों। और वहाँ पे कुछ 7:24 तक हम लोग पहुँच गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद देखा कि वो वीज़ा ऑफिस जो खुलने का टाइम है वो 8:00 है। तो कोई नहीं, हमने अपने एजेंट को कॉल किया और बोला कि हम लोग आ चुके हैं, आप कब तक आओगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो आने में बहुत टाइम लगेगा, आप एक काम करो वहाँ से नाश्ता पानी कर लो तो मैं धीरे आऊँगा। तो हम लोग श्री राम कचौड़ी और श्री हनुमान कचौड़ी के पास जाके कुछ सुबह सुबह नाश्ता किया और वहाँ पे फिर आ गए। वैसे वहाँ पे बंदर बहुत थे, डर बहुत लग रहा था, मगर फिर भी हम लोग वहाँ से आ गए। और आने के बाद वेट करने लगे उस एजेंट का, क्योंकि मैंने हाल ही में ट्रांसफ़र लिया है। और ट्रांसफ़र कहाँ लिया है, ट्रांसफ़र मैंने लिया है जॉर्जिया में। अभी तक किसी वीडियो में मैंने बताया नहीं था, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाय द वे, मेरे ये पापा का ये जो वीडियो है ये बहुत लोगों ने पसंद किया था पिछले वीडियो में, तो थैंक यू सो मच। आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, देखो लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और यहीं पे मैं वेट कर रहा हूँ जो कि मेरा VFS ऑफिस है। और इसका काम होते ही हम लोग आ जाते हैं। वैसे काम बहुत अच्छे से हो गया, तो हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तब पता चलता है कि हमारे बस और कुछ टाइम बाकी है, उसके बाद आ जाएगा वीज़ा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मगर आज जो मैंने पहले ही बता दिया था, अप्लाई किया है मंडे को, और कब तक आएगा इसके कोई गारंटी नहीं है, मगर इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कब तक आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखो। बाय द वे, हम लोग आ चुके थे गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में हमने बाइक पार्क किया था, वहाँ से लेके आ गए। वैसे गुरुद्वारा का जो बाइक पार्किंग चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि 2 घंटे का था 20 रुपये, और 2 घंटे से अगर पार हो जाते तो 200 रुपये, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फटका पड़ा। तो हम लोग फिर भी 100 रुपये दे के मना के आए। अभी यहाँ पे 3 मूर्ति के यहाँ पे आ चुके थे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे। बाय द वे, अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं इस रास्ते पे मोस्टली लोग व्लॉगिंग अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे आने के बाद आज का सफ़र तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सो अभी शुरू हो रहा है जो व्लॉग, ये अभी 12:00 और सुबह से लेकर मेरे क्लास थी वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं और बेला आए हैं छत पे, क्योंकि थोड़ा सा घर बैठे बैठे मतलब दिन में बेकार लग रहा था सुबह से लेके, तो अभी थोड़ा छत पे आया हूँ। बेला कैसा थोड़ा सा खेलूँगा, उसके बाद मस्ती करूँगा, जाके नीचे पढ़ने बैठ जाऊँगा। और बैठा हुआ अभी का क्लास जगह हो चुका है, तो मेरे पास अभी बहुत सा टाइम है, 5:30 मैं जिम जाता हूँ, बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। आपकी मैंने जो सोचा है वो सोचा कि इस रूम में पढ़ूँगा, और इस रूम में अभी तो हालत सही है, मतलब थोड़ी देर बाद धूप वूप रहेगी, छत बिल्कुल गर्म रहता है ना, तो धूप रहती है, तो इसमें पढ़ने में मज़ा आएगा। अब दिन की पढ़ाई यहीं पे करेंगे, लेके आते नीचे से सारी किताब विताब, फिर यहीं पे पढ़ेंगे। सो ऊपर में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते फिर नीचे आया और खाना पीना खाया, उसके बाद जाके एकदम कूल लग रहा है, कूल। अभी पढ़ाई वढ़ाई तो चल रही थी थोड़ी देर पहले तक, मगर अभी चल रही है एडिटिंग, देख सकते हो एडिटिंग चल रही है। और ये एडिटिंग मेरा आज तक तो हो जाने, मतलब 5:30 या 6:00 से पहले हो जाना चाहिए, इसको लगा के मैं चला जाऊँगा फिर जिम में, और जिम के आके देखूंगा ये है अपलोड पर हो चुकी है, जब तक 7:00 तक मैं इसको अपलोड पर लगा दूंगा। देखते हैं ये हो पाती है नहीं हो पाती है, जो आपके टाइम हो रखा है 5:14, 6:00 पहले इसको कम्प्लीट करके इसको लगा के जाना है, देखता हूँ कितने टाइम में हो जाता है। वैसे हो चुका है, देख सकते हो ये 5:13 हो चुका है, और इधर है 10 मिनट, मतलब और 5 मिनट करना है हार्डली, और 10-15 मिनट तो मैंने व्लॉग को लगा दिया है 8 पे, और ये हो भी चुका है। और देख सकते हो कि इसमें टाइम जो दिखा रहा है 1:15, तो मैं तब तक जिम करके आता हूँ, उसके बाद लगा दूंगा ये, 7:30 तक ही जाएगा, इतना तो हो ही पाएगा। तो चलिए फटाक से रेडी हो जाता हूँ, वैसे टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 6:00 में और 10 मिनट बाकी है। तो रेडी हो चुका, मगर यहाँ पे हो रही है शादी, कल शादी है, आज से 11:00 पूरा एकदम फुल चल रहा है, तो बाहर जाकर आपको दिखाता हूँ अगर टाइम मिला या मौका मिला तो। मैं सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर दिखा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, और मैं नहीं चाहता किसी के मुँह पे ऐसे कैमरे पकड़ लूँ। तो अभी मैं घर पर आ चुका हूँ जिम से, और वैसे भी आज ना बहुत दिनों बाद ये पिया एप्पल साइडर विनीगर, जो कि ना फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने देखा कि फ्रिज में रखा हुआ है, और इसको पीने से बहुत ज़्यादा फैट लॉस होता है, तो इसलिए मैंने आज इसको ट्राई किया, मेरे को बहुत सही लगा।
गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कहीं जाने वाला हूँ आज थोड़ी देर बाद, जो कि मैं आपको जाके फिर दिखाऊंगा। आज डे है वेनेसडे और आज का दिन भी बहुत खास है। सुबह सुबह नींद से उठते ही एक पार्सल वाला आके बोलता है कि आपका पार्सल आ गया, तो मैंने निकाला तो निकला पापा का शू। पापा ने कुछ शूज़ ऑर्डर किए थे, वही आ गया। और ऐसे शूज़ का जो पैकेट फाड़ने का तरीका है वो मेरा थोड़ा सा अलग है, तो मैंने सोचा कि जैसे है वैसे ही करते हैं, तो ये रहा कुछ शू, तो मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे हुंडई के शोरूम में। हर हुंडई के शोरूम में क्यों आए पता है? पापा को लेनी है एक कार। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को एक कार चाहिए जो कि ना हमारे बजट में हो, और हमारा जो बजट है वो 5-7 लाख है, मतलब इतना ही है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। मगर मम्मी को जो पसंद आई ना वो आई है मम्मी को i10। अब i10 थोड़ी सी प्राइस महंगी पड़ गई, मगर इसका जो कंट्रोल क्रूज़र वगैरह वो बहुत सही लगे मेरे को, मम्मी को भी बहुत सही लगी। मगर यहाँ पे ना थोड़ा प्राइस डिफरेंस हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अभी के लिए होल्ड पे रख दिया है, देखते आखिरी में। अभी जस्ट आया हूँ और गया था, जैसे कि आपने देखा होगा कि कार के शोरूम में गया था मम्मी मैं पापा तीनों, बाइक का जैसे रिव्यू, मतलब कार का रिव्यू देख के आए हूँ। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि ग्रैंड i10 नियोस जो नया वाला है वो देखने के लिए, मगर वो देख के मम्मी को तो पसंद आ गई है, मगर पापा बोले कि और एक ऑप्शन देखना चाहिए। तो ऑप्शन देखने के लिए हम लोग टाटा टियोगो देखेंगे, अभी टियोगो के शोरूम जाएंगे। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और मम्मी अब तो नहीं जाएगी क्योंकि हम लोग तीन गए थे, और अभी हम मैं और पापा जाएंगे। तो अभी पापा के क्लिनिक पे जाएंगे, फिर पापा को लेके चलेंगे। जिम से आया हूँ अभी अभी, और गया था टाटा का शोरूम देखने, मगर टाटा का जो वो गूगल मैप पे दिखाया ना वहाँ पर कोई शोरूम था ही नहीं। फिर हम लोग आ गए वापस, आके महिंद्रा के शोरूम गए और महिंद्रा के शोरूम में जाकर भी गाड़ी देखा। तो बेसिकली जो गाड़ी थी वो थी XUV300, तो वो भी हमें पसंद तो आई मगर आउट ऑफ बजट हो रहा था। अभी पापा को पता नहीं बाइक चाहिए कार चाहिए, सुबह से लेके हम लोग घूमे ही जा रहे हैं। पता है सीन क्या हुआ? सुबह उठा, उठने के बाद पापा बोल रहे थे ठीक है चलो आज जाके बाइक देख के आएंगे। मम्मी ने फोर्स किया कि नहीं बाइक चेंज कर लो, क्योंकि ये वाली बाइक में ना हमें कमर दर्द बहुत हो रही है, मेरे को भी पापा को भी। तो हमने बोला ठीक है बाइक चेंज करते हैं। अब बाइक चेंज करने के लिए गए, वहाँ पे जाके पता चला जो पुराने कार मतलब बाइक है हमारे पास उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत ही कम दे रहा है। 1 लाख का बाइक वो दे रहे 25,000, भाई इतना कम, और 2 साल चला है, बहुत कम दे रहा था। हमने बाइक बेचा नहीं, आ गए। पापा को क्या दिमाग हुआ, बोले कि कार लेंगे। अब कार लेंगे तो गए शोरूम, शोरूम में जाके देखा भाई साहब, मतलब पैसे तो लगते हैं ना भाई कार के शोरूम में, थोड़ी ना दो तीन लाख में आ जाती है कार। अब देख लिया, बोलते नहीं नया कार नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, अब नया कार नहीं लेंगे, फिर जाके और एक शोरूम में गए, महिंद्रा के शोरूम में गए, पहले हुंडई के फिर महिंद्रा के। अब जाके बोल रहे कि नहीं अब तो नहीं चाहिए मेरे को। अब फिर 2 दिन बाद फिर बोलेंगे मेरे को कार चाहिए, कार चाहिए। पैसे है नहीं है वो मैटर नहीं करता है, दिमाग में अभी भी ये नहीं है कि लूं या ना लूं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। अभी जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है 8:30, और मेरे को शादी में जाना है तो मेरे को रेडी भी होना पड़ेगा। मगर एक अभी क्लास चल रही है, वो क्लास में कर लेता हूँ, उसके बाद रेडी हो जाता हूँ। 9 बजे तक रेडी हो जाऊँगा, क्या है लड़कों का 1-2 मिनट में रेडी हो जाते हैं हम लोग, कोई ऐसे है नहीं। और बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं बाहर, बेले को तंग कर रहे हैं, जाके मैं काट के आता हूँ। अभी जो टाइम हो रखा है ये 9:10 टाइम हो रखा है, और मैं जा रहा हूँ शादी में, और शादी में जाकर आपसे मिलता हूँ। वायदा हुए अभी ये वाला रोड थोड़ा सा सुनसान रहता है, अभी तो गाड़ी आ रही है मगर बहुत देर से सुनसान पड़ा था, मैं पैदल ही जा रहा हूँ और पहुँचते ही आपको दिखाता हूँ कुछ लुक। और आपको जैसे जज आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, मगर ऐसे कुछ लुक्स आ रहा है मेरे को, और मैं पैदल जा रहा हूँ। मम्मी पापा को बोला है आप लोग निकल जाओ बाइक से, मैं पैदल ही जाता हूँ। ये जो लाइट देख रहे हो, मैं इन्हीं के शादी में गया था, इस घर के शादी चल रही है, तो अभी तो घर में कोई नहीं है, सब शादी में गए हुए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और आते टाइम दूध दही बेले के लिए लेके आए, मगर रास्ता पूरा साफ रखा है। आंखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना, तू है
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो शुरू हो रहा है कुछ अभी 2:10 जो टाइम हो रहा है, और अभी मैं और मम्मी कहीं पे जाने वाले हैं एक कुछ काम से। देखते काम हो पाते नहीं हो पाते, वो तो आपको जाकर बताऊंगा। वैसे लेके चलते हैं, चलो। मम्मी को बुलेट का बड़ा शौक है, तो हम लोग आए रॉयल एनफील्ड शोरूम में। आके हम लोगों ने देखा सबसे पहले हंटर, और हंटर मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मगर ये बात है कि इसका जो क्लच है ना, ये बहुत दूर है। तो मम्मी को बोला मैंने, इसका जो क्लच है ये बहुत दूर लग रहा है, बाकी और भी गाड़ी ट्राई करते। तो हम लोग सोच रहे कि हंटर को भी फाइनल करेंगे, अगर बाइक लेना होगा तो, और अगर बाइक नहीं लेना होगा तो कुछ और सोचेंगे कि कुछ और कार में देखते हम लोग। आज गए थे मम्मी के साथ बहुत सारा बाइक देखने, तो बाइक मम्मी को तो पसंद आ गई है। मगर ये है कि अभी रिसेल वैल्यू बहुत ही कम मिल रहा है, तो अभी हम लोग बाहर से ढूंढ रहे कि कोई मतलब बढ़िया वाला कोई रिसेल वैल्यू दे दे, तो हम दे देंगे। 2020 का बाइक है, अभी उसका आधे पैसे भी नहीं दे रहा है तो कैसे चलेगा। तो हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, दे देंगे और बहुत जल्दी नया बाइक ले लेंगे। रोज़ रोज़ का झंझट अच्छा नहीं लगता। कल भी गए थे, आज भी गए थे, आज भी मतलब कुछ हुआ नहीं है। अब जिस दिन होगा उसी दिन ये ब्लॉग आएगा, पता नहीं कब आएगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम, और जिम से आता हूँ उसके बाद बात करता हूँ ये सब के ऊपर। सो मैं नहा के आ चुका था अब जिम से आने के बाद। मगर एक बात है, मैं ना एक कुछ दिन से ब्लॉग नहीं डालूंगा, मतलब एक दो दिन और भी नहीं डालूंगा। आज 23 तारीख है, 25 तारीख तक कोई ब्लॉग नहीं जाएगी, उसमें बस वीडियो जाएगी, नॉर्मल जो स्केच वीडियो है वो जाएगी। मगर इन दिनों में मैं क्यों ब्लॉग नहीं डालूंगा उसका कारण बताता हूँ। और पहले एक टी शर्ट ढूंढते, जो टी शर्ट पहन के मैं रोज स्केच वीडियो बनाऊंगा, वो टी शर्ट पहले ढूंढ लेते, उसके बाद बताता हूँ। तो लगता है इसी में होगा वो टी शर्ट, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे रखा था वहाँ पे मिला नहीं। और मेरे मम्मी का काम रहता है कि कुछ भी ऐसा चीज़ रहता है ना, जो भी मेरा काम का चीज़ रहता है वो सब इसमें डाल देते हैं, पता नहीं क्यों। इसमें बस जैकेट भरा हुआ है, और मेरे को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद मैं पहन के फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली मेरे को वो टी शर्ट मिल चुकी है, जो कि ना ये देखो, ये लोगो है ना, इस लोगो के लिए मुझे ये स्केच वीडियो इसी वाले टी शर्ट में बनाना है। वैसे कॉलर वाला ठीक किया नहीं है, और मिला जहाँ पे ढूंढ रहा था वहीं पे मिला है, बस उनको फिर से समेट कर रख के आता हूँ, नहीं तो मम्मी आगे बहुत डांटेगी। भाई साहब के बाइसेप्स बढ़ गए हैं, भाई साहब ये टाइट हो गया, ये बहुत ढीला आया था, बहुत ढीला और पिलपिला हुआ करता था मेरा बाइसेप। अब देखो एक हफ्ते का कमाल है, बस बाइसेप का भी तो मैंने एक या दो दिन ही लगाया मैंने, कोई नहीं और बढ़ेगा। मॉर्निंग, अभी शाम को मतलब दोपहर के 12 बज रहे वैसे तो, और मेरा आज सुबह सुबह वीज़ा आ चुका है, जो कि ना फोटो मेरे को भेज दिया है एजेंट ने। और कितने दिन का मेहमान हूँ इंडिया पे पता नहीं, फिर तो कुछ दिन के लिए जाना ही पड़ेगा मेहमान बन के किसी और कंट्री में। बस वेट कर रहा हूँ कब तक पूरा जा सकूँ। अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से वेट कर रहा था वीज़ा आएगा, अब फाइनली वो वीज़ा आ चुका है, तो मतलब जाने का टाइम हो चुका है, बहुत जल्दी निकल रहा हूँ मैं। आंखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना। है वही 25 फरवरी, जो कि ना है मम्मी और पापा का बर्थडे एनिवर्सरी। आंखें तेरी शबनमी, चेहरा तेरा आईना, तू है। बेसिकली आज है 25 तारीख, मम्मी पापा का हैप्पी एनिवर्सरी। पसंद भी आ गई, जो कि डिलीवरी कल है वो उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप भी जो मैं रेडी हो रहा हूँ, रेडी क्या, बस नहा के आया हूँ। सो मैं भी जा रहा हूँ मम्मी पापा के एनिवर्सरी में, तीसरे हड्डी बनने कहीं पे पार्टी दे रहे मम्मी पापा, तो चलते हैं उनके पार्टी में शामिल होते हैं। वैसे तो मैं रेडी था, यार मेरे शूज़ गीले हो गए, और मेरे को दूसरा शूज़ पहनना पड़ेगा। मेरे शूज़ तो पहन लिया है, और अभी चलते हैं, चाबी वगैरह ले लगाते हैं, लाइट ऑफ। पहला कहाँ पे, ओह पहला यहाँ पे लेट हुई अंधेरे में। टाइम हुआ करता था जब बाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, अब धीरे धीरे सब लोग कार में शिफ्ट हो गए, और हम लोग 4 बन गए पर्सन, तो इसलिए हम लोग को भी कार की ज़रूरत है अभी।